हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कमल पहाड़ी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 7 बजे, यानी कि शाम के 7 बजे। दिन में ना काम टाइम मिलता नहीं, तो इसलिए शाम को बने। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप लोगों के साथ भी होती होगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर। यहाँ कीवी होगा, मैं गया था किसी काम से दुकान में और मेरा छोटा ना मेरे को ढूंढने के लिए चले गया। अब आ रहे नीचे से, बिल्कुल मुंह फैला के। ये देखो कहाँ गए थे ये, दे रहा हूँ, अभी कुछ ढूंढ रहा है। ये देखिए आप, मैं गया था क्रीम रोल लेने के लिए और ये पहले आता था 2 रुपए का, आज हो गया 5 रुपए का। तो फ्रेंड्स, महंगा तो बहुत हो गया है। अब हम खाएंगे अभी ब्रेकफास्ट में, शाम का ब्रेकफास्ट क्या खाओगे? क्रीम रोल। तो ये है लक्कू का क्रीम रोल। अब लक्कू सबको देगा, मुझे देगा नहीं देगा? देगा। दे दो मेरे को, दे दे प्लीज। 1 गिव मी 1 एनदर यू गो। और आज था पीयूष का, क्या था पीयूष? कितने नंबर आए? 8। कितने में से? बहुत ज्यादा नंबर ले आए, तो तेरी मरम्मत करनी पड़ती है। और आपका पेपर भी था, कितने नंबर आए? 5। हम भी ना ऐसे खा रहे क्रीम रोल, पीछे से उंगली उंगली करके देखिए आप। इसका स्टाइल अलग है क्रीम रोल खाने का। आज यहाँ पर चल रहा कबड्डी का मैच और आज का मैच है पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टील। हरियाणा स्टील पिछले सत्र से तो अच्छा खेल रही थी, लेकिन इस साल तो गंदा खेले। देखो अभी सिर्फ 10 मिनट का टाइम हुआ है और उसमें ये ईमानदार है ना, वहाँ का असल ईमानदारी ने बहुत अच्छा गेम खेला। इस बार अच्छे पॉइंट ले आए, पूरे 2 पॉइंट और ऑल आउट कर दिया हरियाणा स्टील को। तो जो पॉइंट है वो गैप है 11-3 का, यानी कि अभी मात्र 8 मिनट का गेम हुआ है और 11 पॉइंट ले लिए पुणे पल्टन ने। एक बार हरियाणा स्टील को कर दिया ऑल आउट। ये देखिए आप, अभी अपडेट करूंगा आपको 2-3 मिनट बाद। और असल ईमानदार अब आगे सिंधे, आकाश सिंधे बहुत अच्छा खेल रहा है। सेकेंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और जो गैप है वो है 23-11 का, यानी कि मतलब 23-11 में पुनेरी पल्टन और 11 हरियाणा स्टील। तो बड़ी मुश्किल है, अब देखते हैं कौन जीतता है। मुझे तो वही लग रहा है कि पुनेरी पल्टन जीते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन दोनों की डिस्टेंस हो चुका है, गैप हो चुका है। अब 15 मिनट का गेम केवल बचा है। तो फ्रेंड्स देखो, ये है कबड्डी, मज़ा आ रहा है कबड्डी देखने में। और ये लगा था फाइनल शॉट, इससे ऑल आउट हुई है। और ये थे मोहित गोयत, गजब खेल गए इस बार, गजब। अब हो गया 29-12 का। डिनर में बना है हरी सब्जी, मिक्स वेज, दही और लक्कू के लिए सॉस।